भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है तथा अपने प्राचीन मंदिरों के लिए पहचाना जाता है। इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है चार धाम मंदिर। उज्जैन के प्राचीन स्थापत्य के साथ अपनी उपस्थिति अंकित करता है। इस मंदिर को चार धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से भक्त चार धाम के दर्शन कर लेते हैं। श्री स्वामी परमानंद गिरिजी महाराज के घनिष्ठ शिष्य श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरिजी महाराज ने अखंड आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से चार धाम मंदिर की नींव रखी। श्री शांति स्वरूपानंद जी को निरंजन अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। ये उपाधि सिंहस्थ कुंभ 2004 में दी गई थी। चार धाम मंदिर बहुत ही विशाल है और ये मंदिर सफेद रंग का है। मंदिर को देखते ही ये बहुत विशाल जान पड़ता है, मानो जैसे कोई महल हो। मंदिर का गुंबद बहुत ही सुंदर है। गुंबद को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। गुंबद का आखिरी छोर पीतल का बना हुआ है। गुंबद के ऊपर नारंगी रंग की पताका फहराई गई है। मंदिर चौड़ाई में विशाल है, इसलिए मंदिर में कई छोटे छोटे गुंबद हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। प्रवेश द्वार में
दो जुड़े हुए स्तंभ बनाए गए हैं। उनके बाएं तथा दाईं ओर दो हाथी बनाए गए हैं तथा उनके बीच में गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। निरंजनी अखाड़े की पूरी दुनिया में लगभग 400-500 शाखाएं हैं, जिसमें चार धाम उज्जैन भी एक है। रामघाट एवं महाकाल के लगभग मध्य में स्थापित चार धाम मंदिर हर सिद्धि मंदिर मार्ग पर स्थापित है। मंदिर में बद्रीनाथ, रामेश्वरम, केदारनाथ, द्वारकापुरी की खूबसूरत झांकियां बनी हुई हैं। मंदिर में प्रवेश से निर्गम तक क्रमशः चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में नीचे की ओर गुफा बनाकर विद्युत चालित झांकियां यहां का मुख्य आकर्षण है। झांकियों में यहाँ बाल कृष्ण की लीलाओं का सजीव दर्शन है। श्री चार धाम मंदिर में बालकों को धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर गोवर्धन पर्वत को तर्जनी पर उठाए भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। गुफा के अंदर गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करते कृष्ण की प्रतिमा है। उज्जैन के रेल स्थानक से 7 किलोमीटर दूर स्थित महर्षि सांदीपनि आश्रम ऋषि सांदीपनि की तपस्थली है। यहाँ पर महर्षि सांदीपनि ने घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर महर्षि सांदीपनि ने वेद पुराण शास्त्रादि की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण किया। महर्षि के आश्रम की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने महर्षि के इसी आश्रम से सारी विद्याएं ग्रहण की थी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
इसीलिए सांदीपनी आश्रम को भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली के नाम से जाना जाता है। जटा में गंगा को समाये हुए शिव शंकर, गुरु की सेवा करते श्री कृष्ण, सुदामा, रास रचाते हुए श्री कृष्ण और गोपियां, चोरी से दुग्धपान करते श्री कृष्ण, राधा के साथ झूला झूलते श्री कृष्ण आदि विद्युत चलित झांकियों के कई मनोहर दृश्य गढ़े गए हैं, जिन्हें देखकर मन को असीम शांति तथा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मंदिर की गुफाओं में राम और लक्ष्मण की झांकियां हैं। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के वाण से प्रहार करने के कारण मूर्छित हो गए थे और श्री पवन पुत्र हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, यहां पूतना राक्षसनी के भगवान श्री कृष्ण को विषपान कराने का भी दृश्य दिखाया गया है। झांकियों में एक झांकी बड़ी ही लुभावनी है, जिसमें विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं। मंदिर में बहुत सी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। चार धाम मंदिर अखंड आश्रम ट्रस्ट द्वारा सांस्कृत वैदिक एक कर्मकांड विद्यालय भी संचालित किया जा रहा है। जिसमें बच्चे वैदिक व कर्मकांड शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसी भी समाज व धर्म के बच्चों को यहाँ विद्या अध्ययन की अनुमति है। पर यहाँ सभी बच्चे ब्राह्मण समाज के ही हैं। जब ये बच्चे एक स्वर में मंत्रों का पाठ करते हैं तो मंदिर का संपूर्ण वातावरण वेदमय हो जाता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। यहाँ पर वैदिक और कर्मकांडी छात्रों को अलग अलग वस्त्र व टीके लगाने का प्रावधान है। मर्यादा का पालन करना यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को
यहाँ की परंपराओं का पालन करना पड़ता है। छात्रों को जनेऊ धारण करना पड़ता है, बच्चों को मुंडन करा के चोटी रखनी पड़ती है और चंदन का तिलक लगाना पड़ता है। श्री चार धाम मंदिर में वस्त्र और तिलक विद्याओं के अनुसार विभाजित किए गए हैं। विद्यार्थियों की दिनचर्या का अनुगमन ईश्वर की सेवा के साथ प्रारंभ होता है और संध्या को ईश्वर की वंदना आरती के साथ समाप्त हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितं नमामि।